So guys, I have taken bath and I'm feeling so much better and fresh. थोड़ा सा मैंने ही ना लिप बाम लगा दिया है क्योंकि आई वॉज फीलिंग बहुत ही ज़्यादा जो लिप का था कलर बिल्कुल ही चला ही गया था. सो आई जस्ट वॉन्टेड सम कलर टू माई लिप्स सो दैट मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूँ. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर लंच. हस्बैंड और बबल तो ऑलरेडी भाग गए हैं खाना खाने के लिए एंड इट्स मी. थोड़ा सा स्किन केयर किया एंड देन आई एम जस्ट गोइंग फॉर लंच. Hi guys, good evening. We took our naps. अभी भी हम लोग बेड पर ही हैं. बबल भी मेरे साथ उठ गई है एंड वी आर स्टिल लेजिंग अराउंड. हो गई है शाम और हम लोगों ने बबल को छत पे फुटबॉल खिला के थोड़ा बहुत जितना उसको एक्टिविटी करा सकते थे उसको करा दी है एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू क्लीन हर्सेल्फ. तो अभी मुझे करने हैं थोड़े से काम जो कि हमने डिवाइड किए थे, हस्बैंड को झाड़ू पोछा और मुझे बर्तन की सफाई. तो अभी बबल को मेरा हस्बैंड दिख रहा है, बाय द टाइम आई विल जस्ट क्लीन द डिशेज एंड आफ्टर दैट गाइज मैंने एक अच्छी सी चीज़ प्लान की है आज डिनर के लिए. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सी कि मैंने क्या प्लान किया है. गर्ल को चाहिए थे बहुत सारे मैंगोस. वो देख रही है मुझे मैंगोस चाहिए. उसने बोला मुझे चाहिए एक कैसा लग रहा है बबल आपको यहाँ पे आके? अच्छा अच्छा लग रहा है. और आज हमको बबल ज्वाइन कर रही है विद जूस जो कि उसने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है. सो गाइज हमने मैंने ये सेटअप किया है और मेरी हेल्प कराई है बबल ने. हमने सोचा कि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए बहुत लोग जाते हैं. इनफैक्ट मैं भी जाती हूँ. सो आई थॉट ऑफ यू नो यहाँ पे हम लोग एक रूफ टॉप डिनर कुछ बनाते हैं. सो वी आर गोना हैव सम वाइन पास्ता एंड हमारी कैंडल लाइट डिनर हो रही है यहाँ पे. बहुत ही अमेजिंग है ये. मैंने यहाँ पे लाइट्स लगा दिए हैं. ये हमारा कैंडल लाइट सेटअप है विथ सम वाइन. तो आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज बबल इज ऑलरेडी डन विद अवर जूस. मैं यहाँ पे व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. Cheers!